जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिकल 21A। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एनवायरनमेंट सीरीज के लेक्चर नंबर 2 को प्रोसीड करेंगे। आज हम IUCN पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो नेचर के कंजर्वेशन के लिए काम करती है, और नेचुरल रिसोर्स को हम कैसे सस्टेनेबल वे में यूज करें यह हमें बताती है। IUCN का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है। इसे 5 अक्टूबर 1948 को एस्टैब्लिश किया गया था। अब हम इसे याद कैसे रख सकते हैं? इंडिया स्टार्ट होता है आई से, और IUCN भी स्टार्ट होता है आई से। इंडिया आजाद कब हुआ? 1947, और जस्ट इसके एक साल के बाद IUCN एस्टैब्लिश किया गया। ओके, तो इंडिया आजाद कब हुआ? 1947 में, एंड IUCN एस्टैब्लिश कब हुआ? 1948 में। ओके, हम ऐसे इसको याद रखेंगे। IUCN को एस्टैब्लिश 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस के अंदर किया गया था, बट जब इसे एस्टैब्लिश किया गया तो इसका नाम हुआ करता था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। एक वर्ड को ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्शन। बट इन ईयर 1956 इसका नाम चेंज करके इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रख दिया गया। प्रोटेक्शन को कंजर्वेशन से चेंज कर दिया गया। ओके, अगर हम IUCN के करंट अफेयर्स के बारे में जाने तो IUCN की काउंसिल की मीटिंग 17 जनवरी 2023 अबू धाबी में हुई थी। ओके, और इसकी नेक्स्ट मीटिंग 24-25 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाली है इसी साल। साथ ही साथ वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, इसकी भी मीटिंग हर 4 साल पे होती है, और इसको कौन कंडक्ट करवाता है? IUCN। वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की पहली मीटिंग 1948 में हुई थी। कहां पे? यूनाइटेड स्टेट में। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। IUCN का एजेंडा क्या है, मोटो क्या है? यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड, जीवन और आजीविका के लिए एकजुट होना, नेचर को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना। ओके, नेचर में क्या क्या आते हैं? फ्लोरा एंड फौना। IUCN के टोटल 1400 से भी ज्यादा गवर्नमेंटल और NGOs इसके मेंबर हैं। IUCN को यूनाइटेड नेशन में ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस भी दिया गया है। अगर हम IUCN को और फर्दर क्लासिफाई करें तो IUCN बेसिकली 6 कैटेगरी में काम करती है। पहला कैटेगरी है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी, थर्ड वन इज इकोसिस्टम मैनेजमेंट, फोर्थ वन इज स्पेसीज सर्वाइवल, फिफ्थ वन इज इन्वायरमेंटल लॉज, एंड द लास्ट वन इज प्रोटेक्टेड एरिया। साल है 1961 जब पहली बार IUCN ने प्रोटेक्टेड एरिया की लिस्ट जारी की थी। प्रोटेक्टेड एरिया में क्या क्या आ जाते हैं? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, हर वो एरिया जो फ्लोरा एंड फौना के कंजर्वेशन के लिए बनाया जाता है। IUCN के द्वारा कुछ अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। पहला अवार्ड है जॉन फिलिप्स मेमोरियल अवार्ड, सेकेंड वन इज हेरोल्ड जेफरसन मेमोरियल अवार्ड, नेक्स्ट वन इज ऑनरेरी मेंबरशिप अवार्ड। ये सब अवार्ड हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया के एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं डॉक्टर अशोक खोसला। ये IUCN के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2008 से लेके 2012 तक, और इनको 2016 में ऑनरेरी मेंबरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर अशोक सर ब्रुकलैंड कमीशन जो 1987 में बनाया गया था उसके स्पेशल एडवाइजर भी थे। ये कमीशन किस एम से बनाया गया था? ताकि हम पूरे विश्व को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता पाए। अब चलिए देखते हैं कि इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है IUCN को लेकर के। क्या इंडिया IUCN का मेंबर है या नहीं?
जैसा कि हमें पता है, इंडिया में 45,000 से भी ज़्यादा प्लांट के स्पीसीज और 91,000 से भी ज़्यादा एनिमल के स्पीसीज मिलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया जैसे मेगा डाइवर्स कंट्री को IUCN का पार्ट होना लाजमी है। तो इंडिया कब पार्ट बनता है IUCN का? 1969 वो साल है जब इंडिया IUCN का मेंबर बनता है। तो IUCN एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1948 में। और इंडिया इसका मेंबर कब बनता है? 1969 में। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। साल है 1964 जब IUCN ने पहली बार रेड डाटा लिस्ट इंट्रोड्यूस किया। अब ये रेड डाटा लिस्ट क्या है? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है, ये एक जानकारी है। किसके बारे में? हमारे फ्लोरा एंड फौना के बारे में। फ्लोरा स्टैंड फॉर प्लांट एंड फौना स्टैंड फॉर एनिमल। ओके, तो रेड डाटा लिस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है अबाउट आवर फ्लोरा एंड फौना कि इनकी प्रेजेंट की स्टेटस क्या है, बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिकल एरिया। क्या वो एक्सटेंट हो चुके हैं या वो अर्थ पे एम्पल अमाउंट में अवेलेबल हैं। ओके, IUCN रेड लिस्ट जब बना रही थी तो उसके लिए उसने कुछ क्राइटेरिया मेंशन की। तो आइए देखते हैं वो सारे क्राइटेरिया क्या है। पहला कैटेगरी है कि किस दर से कोई भी स्पेसीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। सेकेंड वन इज कि वो स्पेसीज कितने ज्योग्राफिकल एरिया में अवेलेबल है। क्या वो कंट्री में अवेलेबल है या वो पूरे कॉन्टिनेंट में अवेलेबल है या पूरे अर्थ पे अवेलेबल है। ओके, थर्ड वन है कि क्या वो स्पेसीज ऑलरेडी स्मॉल पॉपुलेशन में अवेलेबल है, क्या उसकी जनसंख्या ऑलरेडी बहुत कम है या फिर वो स्पीसीज किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रहती है। जैसा कि हमने पढ़ा, रेस्ट्रिक्टेड एरिया मीन्स नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एक्सेट्रा। ओके, तो IUCN ने रेड लिस्ट बनाने के लिए ये कुछ एक कैटेगरी मेंशन की और इसके बेसिस पे उन्होंने कुल 9 ग्रुप मेंशन किए, 9 ग्रुप इंट्रोड्यूस किए। तो चलिए एक एक करके समझते हैं ये 9 ग्रुप क्या है। अब हम ये ग्रुप किस लिए पढ़ रहे हैं, ताकि मैं आने वाले लेक्चर में जब मैं आपको नेशनल पार्क पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं आपको बहुत सारे स्पीसीज के बारे में बताऊंगा कि ये स्पीसीज अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये स्पीसीज अभी क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में है, ये स्पीसीज इंडेंजर कैटेगरी में है। तो ये सब समझने के लिए आपको ये सारे टर्म पहले पता होने चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये टर्म्स को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और इस टर्म के आगे जो सिंबल है इसे भी याद रखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक्सटिंक्ट, जैसा इसके नाम से हम समझ सकते हैं विलुप्त, मतलब इस स्पीसीज का अर्थ पे कोई भी पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं है, ये सारे विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जैसा कि आप इस इमोजी में देख सकते हैं, ये बेचारा रो रहा है क्योंकि इसके भाई बंधु अब तो धरती पे बचे नहीं, तो इसके पास रोने के अलावा कोई काम नहीं है। ओके, हमारा नेक्स्ट ग्रुप है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ओके, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा स्पीसीज जो अपने नेचुरल हैबिटेट में तो लॉस्ट हो चुके हैं बट उन्हें किसी प्रोटेक्टेड एरिया में रखा गया है, फॉर एग्जाम्पल वाइट राइनो। ओके, एक्सटिंक्ट के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? डायनासोर। आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज क्रिटिकली इंडेंजर, इसका सिंबल है CR। ये वो स्पीसीज होते हैं जो एक्सटिंक्शन के हाई रिस्क पे होते हैं और इनकी आबादी लास्ट 10 साल में या लास्ट 3 जनरेशन में 90% तक कम हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्पीसीज है जो 10 साल पहले 100 थे तो आज वो सिर्फ 10 बच चुके हैं। तो देखिए कितनी स्पीड से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो इन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है। ये बेचारा रो रहा है और बोल रहा है कि हमें कंजर्व करो, हमें प्रिजर्व करो, हमारे सेफ्टी के लिए स्टेप उठाओ। ओके, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ग्रुप। आवर नेक्स्ट ग्रुप इज इनडेंजर, इट्स सिंबल इज EN। ये वो स्पीसीज है जो एक्सटिंक्शन के
हाई रिस्क पे हैं और इनकी आबादी लास्ट 10 साल में या लास्ट 3 जनरेशन में 70% तक डिक्लाइन हो चुकी है। अब नेक्स्ट कैटेगरी इज वल्नरेबल, इसका सिंबल है वी यू। ये वो स्पीसीज है जिनकी आबादी लास्ट 10 साल में 50% तक डिक्लाइन हो चुकी है। आवर नेक्स्ट ग्रुप इज नियर थ्रेटन्ड, ये वो स्पीसीज है जिनका अगर ख्याल नहीं रखा गया, जिनका कंजर्वेशन नहीं किया गया, तो नियर फ्यूचर में ये लोग इंडेंजर कैटेगरी में फॉल हो सकते हैं और उसके बाद क्रिटिकली इंडेंजर और एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट ग्रुप इज लीस्ट कंसर्न, ये वो स्पीसीज है जो बिल्कुल लोएस्ट रिस्क पे हैं, इनकी पॉपुलेशन एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है पूरे अर्थ पे। ओके, नेक्स्ट वन इज डाटा डिफिशियंट, ये वो स्पीसीज है जिनके बारे में हमारे पास इनफ डाटा नहीं है कि हम उनका असेसमेंट कर पाए कि क्या वो इंडेंजर कैटेगरी में है, क्या वो क्रिटिकली इंडेंजर में है। ओके, उनकी पॉपुलेशन के बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है, उनके ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। ओके, आवर लास्ट ग्रुप इज नॉट इवेल्युएटेड, ये वो स्पीसीज है जिनको आज तक इवेल्युएट नहीं किया गया है ड्यू टू लैक ऑफ सफिशियंट डाटा। आप इनके इमोजीज से भी देख सकते हो कि ये लोग बहुत मज़े में हैं क्योंकि इनके भाई बंधु अभी बहुत मात्रा में अवेलेबल हैं अर्थ पे, और इंडेंजर वाले, वनरेबल वाले और नियर थ्रेटन वाले ये सब चिंता में है। नियर थ्रेटन वाला तो बोल रहा है कि अभी हम तो बच्चे हैं पर प्लीज़ हमारे कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप उठाओ, और एक्सटिंक्ट वाले तो ख़त्म ही हो चुके हैं, और क्रिटिकली इंडेंजर वाले भी नियर फ्यूचर में अगर कंजर्वेशन नहीं किया गया तो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे क्लास का एक बच्चा है जो बहुत कंफ्यूज रहता है, ये ऐसा सोच रहा है कि सर ने 2-3 स्लाइड में ये सारी डिटेल दी बट मुझे एक जगह दे देते तो मुझे याद करने में आसानी होती, तो मैंने इसकी ये भी कंफ्यूजन दूर कर दी। तो यहां पे मैंने सारे कैटेगरी को एक पेज पे मेंशन कर दिया है। जैसा कि हमने ग्रुप के बारे में पढ़ा था, पहला हमारा था एक्सटेंट, एक्सटेंट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इनडेंजर, इनडेंजर, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन, लीस्ट कंसर्न। एक्सटिंक्ट हमने पढ़ा था कि इसकी जनसंख्या अब नहीं बची है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड कि ये वो स्पेसीज है जो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट वगैरह से लॉस्ट हो चुके हैं बट इन्हें किसी प्रोटेक्टेड एरिया में रखा गया है। इसका एग्जांपल हमने डायनासोर पढ़ा था, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का एग्जाम्पल हमने वाइट रैनो पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट ग्रुप हमारा था क्रिटिकली इनडेंजर, ये भी एक्सटिंक्शन के हाई रिस्क पे है और लास्ट 10 साल में इसकी आबादी 90% तक डिक्लाइन हो चुकी है। हमारा नेक्स्ट ग्रुप था इनडेंजर, जिसकी आबादी लास्ट 10 साल में 70% तक डिक्लाइन हो चुकी है। आवर नेक्स्ट ग्रुप इज वल्नरेबल, जिसकी आबादी लास्ट 10 साल में 50% तक डिक्लाइन हो चुकी है। एंड नेक्स्ट वन इज नियर थ्रेटन, ये वो स्पीसीज है जिनका अगर ख्याल नहीं रखा गया तो वो नियर फ्यूचर में इनडेंजर कैटेगरी या फिर क्रिटिकली इनडेंजर या एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। ओके, और हमारे लास्ट के बच गए दो, लीस्ट कंसर्न एंड डाटा डेफिशिएंट, इन दोनों के एम्पल अमाउंट में स्पीसीज अवेलेबल है तो इनकी अभी चिंता करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनके कंजर्वेशन के लिए, हम इनके प्रोटेक्शन के लिए कोई स्टेप, कोई मेजर्स ना उठाएं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने IUCN के बारे में पढ़ा, IUCN की कुछ डिटेल्स देखी, IUCN के कैटेगरीज देखें, कुछ अवार्ड्स वगैरह देखें, रेड लिस्ट के बारे में पढ़ा और 9 ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।